नमस्कार, आज की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेखा जम्वाल। पूरे एक साल बाद श्री अमरनाथ की पावन यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था झूमते गाते हुए रवाना हो चुका है, जिन्हें जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 950 श्रद्धालुओं का ये पहला बैच कल बालटाल पहुंच जाएगा और उसके बाद शुरू होगी बाबा बर्फानी के दर्शनों की पहली पैदल यात्रा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। तो इस पावन यात्रा के लिए रवाना किए गए जत्थे को हरी झंडी दिखाने पहुंचे जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्री ने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए हर व्यवस्था की मॉनिटरिंग गवर्नर खुद कर रहे हैं। उनका कहना था कि यात्रा के दौरान और बाद में यात्रियों की फीडबैक ली जाती है और उसी के आधार पर हर साल इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों बाद पहलगाम का रास्ता भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। पावन श्री अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होने वाली है और अमरनाथ की ओर श्रद्धालुओं का पहला जत्था बलटाल की ओर रवाना हो चुका है, क्योंकि बर्फबारी के दौरान पहलगाम से अभी रास्ता बंद है। इसलिए दो दिनों तक श्रद्धालुओं को पहलगाम से जाने की अनुमति नहीं है और प्रशासन ने बलटाल की तरफ से ही यात्रा का इंतजाम किया है। यात्रियों के पहले जत्थे में 950 श्रद्धालु शामिल है। सभी श्रद्धालुओं को जम्मू कश्मीर से रवाना कर दिया गया है। ये श्रद्धालु कल बलटाल से अमरनाथ तक की अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। यात्रियों के पहले जत्थे को पूरी विधि विधान के साथ रवाना किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्री गुलाम अहमद मीर ने खुद पहुंचकर यात्रा को हरी झंडी दिखाई और साथ ही पूरे देश और श्रद्धालुओं को इस यात्रा की शुरू होने पर बधाई दी। हमारी यात्रा शुरू होने के लिए आप सबको और देशवासियों को और मैनेजर्स को मुबारक। दूसरी बात यह है कि आज के डेट से यहाँ जम्मू से नॉर्मली शुरू होती थी और कल के डेट से हम पहलगाम में शुरू करते थे, तो मगर मौसम की वजह से और जो पिछले विंटर में बर्फबारी हुई उसकी जो मिकदार है उसकी वजह से 3 दिन के लिए पहलगाम साइड का अभी रोका गया और अभी कल सुबह से ये बालटाल से जितने भी यात्री यहाँ से जाएंगे तो वो कल सुबह बालटाल से दर्शन के लिए। आपने रिव्यू किया है वहाँ जाकर, कब तक 3 दिन के बाद इतना है? 30 तारीख का डेडलाइन फिक्स किया है पहलगाम से, वही मैंने कहा 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया क्योंकि उस रास्ते में जितनी बर्फ है उसको और थोड़ा सा यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता था। यात्रियों का ये पहला जत्था यात्रा को लेकर काफी उत्साहित था और आसमान जयकारों से गूंज रहा था। इस दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर पूछे जाने पर टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और अभी भी J&K में लाखों सैलानी मौजूद हैं। सुरक्षा की आजकल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हो कि लाखों की तादाद में वैसे ही कश्मीर में सैलानी है और ऊपर वाले की मेहरबानी से अभी तक तो ऐसी खबर आपको सुनने को नहीं मिली, न मिलनी चाहिए। टूरिज्म मिनिस्टर ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं और गवर्नर खुद इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये यात्रा लगभग वैसी ही की जाएगी जैसे कि हर साल की जाती है और यात्रियों को यात्रा के समय किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के दूसरे पर्यटन स्थलों के बारे में भी बात करते हुए कहा
कि हर पर्यटन स्थल पर यात्रियों के रहने के पूरे इंतजाम किए गए हैं और सुविधाओं में बेहतरी जारी है। बिल्कुल वो तो है ही, चाहे आप टूरिज्म के लिहाज से ले लीजिए, ये तो हम बारह कहा कि पहले ज़माने में पटनीटॉप और दाल और गुलमर्ग और पहलगाम की बात ही, मगर इस वक्त तो हमारे रियासत में आप सरथल से ले लीजिए जो कठुआ से शुरू करते हैं हम, देन मानसर सुरंगसर, देन पुनुष राजौरी, देन भद्रवाह का एक नया कश्मीर विद इन कश्मीर इस वक्त तैयार है, किश्तवाड़ है, देन कश्मीर के अंदर तो अनगिनत जगह है जिन पर डेवलपमेंट की जा रही है और यात्रियों के ठहरने और घूमने करने की सुविधाएं तैयार हो रही है। आम तौर पर अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो यात्रियों को नुकसान पहुंचाते हैं या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे तत्वों पर भी पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं, पिछली बार तो इसी पीरियड में एक महीना पहले जो उत्तराखंड में हुआ था उसका असर पड़ा था, और दूसरी बात ये कि सुविधाएं बेहतर करने से अभी भी मुझे यहाँ जम्मू में भी अंदर आने आते आते अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग आते हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से कंट्रोल करने की ही हिदायत है ताकि वो एक सिस्टम में जाए और आगे के लिए और बेहतर हो जाएगा। तो हो सकता है उस वजह से कुछ परसेंटेज कई बार कम दिखता है, तो मगर वो यात्रियों की बेहतरी के लिए। बर्फानी बाबा के दर्शनों के लिए गए पहले जत्थे को मंत्रोच्चारण के बीच पूरी विधि विधान के साथ रवाना किया गया और इस यात्रा का उद्घाटन पर्यटन मंत्री ने अपने हाथों से किया। यात्रा शुरू होने से पहले चारों ओर खुशी का माहौल था, जयकारों की गूंज के बीच इस यात्रा का आरंभ हुआ और यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना हुआ जो कल बलटाल पहुंच जाएगा और वहां से फिर शुरू होगी इस साल की पवित्र यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्त पूरी तैयारी में है, जहां ये यात्रा 28 तारीख को शुरू होने जा रही है। आपको बता दें जिला उधमपुर प्रशासन द्वारा इस यात्रा को सुचारू रूप से करवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ जिला उधमपुर पुलिस द्वारा भी शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में हर जगह एक एक मेडिकल कैंप लगाया गया है ताकि लोगों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया हो सके, और इसी के साथ उन्होंने एक एम्बुलेंस भी नियुक्त की है ताकि आपातकालीन स्थिति में वह काबू पा सके। कैमरामैन विक्रम परिहार के साथ मानिक वर्मा, गुलिस्तान न्यूज, उधमपुर। नमः शिवाय, हरि हरि बोली नमः शिवाय।